संपर्क है, उनका संपर्क है, वो उनके लगातार संपर्क में है। एक और बड़ी खबर जो आ रही है बगावत पर, एकनाथ शिंदे द्वारा ट्वीट किया गया है, कह रहे हैं हमारी भूमिका शिव सैनिकों के हित में है, शिव सैनिक हमारी भूमिका को समझे। अब शिव सैनिकों को एड्रेस करने की कोशिश एकनाथ शिंदे द्वारा की जा रही है, लगातार उनके समर्थन में भी देखा है कि जो वर्कर्स हैं वो सामने आए हैं। एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि हमारी भूमिका शिव सैनिकों के हित में है। अब शिव सैनिक किसके साथ है, अपने आप में बड़ा सवाल है। मेरी सहयोगी विदेही हमारे साथ है। विदेही, शिव सैनिक किस तरफ है, क्योंकि लगातार ऐसा लग रहा है शिव सैनिक भी बटे हुए हैं। जी बिल्कुल अदिति, हमने देखा है कि फिलहाल शिव सैनिक जो है वो एक दोहरी भूमिका में है, क्योंकि कौन सी शिवसेना असली है कौन सी नकली है, इस कंफ्यूजन में काफी सारे शिवसैनिक फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हमने देखा है कि बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे, इनकी शिवसेना का उल्लेख करते हुए एकनाथ शिंदे ने शिव सैनिकों को जो है वो एक आह्वान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जो कर रहे हैं वो शिवसेना के हित में है, शिवसेना के लिए कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं। तो दूसरी है, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जो है वो शिव सैनिकों के मन में कायम है, क्योंकि जिस तरह फिलहाल थाने में शिव सैनिक रास्ते पर उतरे हैं, उनका यही कहना था कि हम शिवसेना के कार्यकर्ता हैं लेकिन हम एकनाथ शिंदे के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे, इनके शिवसेना के कार्यकर्ता जो है वो भी रास्ते पर उतरकर यही कह रहे हैं कि जो बगावत कर रहे हैं उनको माफी नहीं दी जाएगी। ताकि आदित्य जी, अगर हमने देखा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो इस शिवसेना के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। एक तरफ रास्ते की लड़ाई शुरू है, दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई शुरू है, लेकिन इसमें असली कौन नकली कौन, यही एक मुद्दा जो है वो इन शिवसैनिकों में कायम है। इंटरेस्टिंग है, एक तरफ लड़ाई कोर्ट में हो रही है, दूसरी लड़ाई सड़क पर हो रही है, और तीसरी लड़ाई विधानसभा के फ्लोर पर होगी। तो कई लेवल पर यह लड़ाई है, और सियासी लड़ाई भी हो रही है, वर्चस्व की लड़ाई भी हो रही है। अश्विन हमारे साथ हैं। अश्विन, ये जो मीटिंग है सीएम और होम मिनिस्टर के बीच, उस मीटिंग को लेकर आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। कि इसमें दो बातें हैं, पहली बात तो एक तो राजनीति को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस पर तमाम इनपुट्स जो है होम मिनिस्टर की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे हिंसात्मक घटनाएं भी हुई हैं, और आगे कैसे व्यवस्था को बरकरार रखा जाए, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो, इसको कैसे पूरी तरह से संभाला जाए, एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है ट्रांसफर और पोस्टिंग का। 30 जून तक जितने भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगाई गई थी। उस ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ी तमाम जो डिटेल है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि आखिरी फैसला मुख्यमंत्री लेते हैं प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग के अधिकारियों के, जो आला अधिकारी उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की, तो वो जो तमाम डिटेल है वो लेकर गृहमंत्री पहुंचे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की जो स्थिति पिछले कुछ दो तीन चार दिनों से खराब हुई है, कहीं एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने हंगामा किया है, तो कहीं शिवसेना के समर्थकों ने बागी विधायकों के खिलाफ हंगामा किया है, आगजनी की है, पोस्टर फाड़े हैं, जलाए हैं, तो ये जो तमाम चीजें हैं राज्य में इस वक्त जो चल रहा है उससे जुड़ी तमाम डिटेल्स इस वक्त गृहमंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। जी, तो इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। हमारे साथ समीर चोगांवकर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपसे बस थोड़ी देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे। लेकिन समीर जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, अदिति जी आ रही आवाज। ये एक तरफ एमएनएस की एंट्री, राज ठाकरे की एंट्री, दूसरी तरफ शिव सैनिकों में विभाजन, एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे, बाला साहेब की लेगेसी को लेकर एक और लड़ाई, ये महाराष्ट्र में सियासत किस तरफ जा रही है? मुझे लगता है अदिति जी, उद्धव ठाकरे को बिल्कुल ज्ञान देने की सियासत हो रही है। आप देखिए, उद्धव ठाकरे ने जब सरकार बनाई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ और सत्ता पाने के लिए चले गए, या राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ, एकनाथ शिंदे ने भी उस समय विरोध किया था कि आप इनके साथ मत जाइए, हिंदुत्व हमारा खतरे में पड़ेगा, हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता करके, लेकिन महाविकास आघाड़ी तो कह रहा है ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर शिवसेना की तरफ से उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, दावा तो महाविकास आघाड़ी का ये भी है, एनसीपी और कांग्रेस दोनों ये दावा कर रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सिग्नेचर करने वाले एकनाथ शिंदे थे। एकनाथ शिंदे को उस समय मजबूरी में करना पड़ा, जब उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही है तो उस समय एकनाथ शिंदे ने स्वीकार किया। लेकिन अब जब एकनाथ शिंदे को और बाकी विधायकों को लग रहा है कि लगातार वहां पर काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, विधायकों के काम नहीं हो रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक और मंत्री काम कर रहे हैं, और आप देखें ना, एक साल बाद तो चुनाव में जाना है, एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को मालूम है कि हम अपने क्षेत्र में किस मुंह से जाएंगे, हम तो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े थे, हमारी विचारधारा हिंदुत्व की है, हमारी विचारधारा तो
उनके ओपोनेंट्स कह रहे हैं ढाई साल बाद क्यों, अगले साल महाराष्ट्र में चुनाव है, अभी समय कितना बचा है महाराष्ट्र में, 2 साल बचे हैं चुनाव में महाराष्ट्र में, 2 साल बाद उन्हें चुनाव में जाना है, लोकसभा के चुनाव में जाना है, तो जनता भी जाएंगे कैसे, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के साथ वो लोकसभा विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, या विधानसभा चुनाव और शिवसैनिक अपने हिंदुत्व के नाम पर अपने लोगों के बीच में लड़ेंगे? तो उन्हें मालूम है कि अगर हम शिवसेना में अगर बने, हमें अगर अगला चुनाव जीतना है तो हमें रास्ते पे आना होगा, उद्धव ठाकरे को रास्ते पे लाना होगा, वापिस हमें हिंदुत्व पे लौटना होगा। लेकिन क्या वो उद्धव ठाकरे को वापस रास्ते पर लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो शिवसेना टूटती दिखाई दे रही है? शिवसेना बिल्कुल नहीं टूट रही है, एक नाथ शिंदे और उनके विधायकों ने एक बार भी नहीं कहा कि हमने शिवसेना छोड़ी है, आज भी वो शिवसैनिक है, न उद्धव ठाकरे उनको पार्टी से निकाला है, न उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दिया है, वो तो कह रहे हैं कि भाई शिवसैनिकों की बात है, आप शिवसेना की बात मानिए, शिवसैनिकों की मन की बात मानिए, विधायकों की मन की बात मानिए, हम तो शिवसैनिक है ही, वापिस आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए, हम सरकार में शामिल है, उन्होंने कहाँ पार्टी छोड़ी है, अभी कोई विद्रोह नहीं हुआ है, ये तो उद्धव ठाकरे की जीत है सत्ता के लिए, कि कुछ भी हो जाए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री बने रहना है, भाजपा के साथ जाऊंगा तो मैं संजय दुबे